आम आदमी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की मुरादाबाद जिला इकाई ने लाइन पार्क क्षेत्र में खस्ताहाल सड़क का शीघ्र निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी महिला प्रकोष्ठ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर एडीएम सिटी को एक ज्ञापन भी पेश किया गया। आरोप लगाया गया है कि नगर विधायक रितेश गुप्ता ने अपने पिछले कार्यकाल में वार्ड नंबर 22 विकास नगर लाइन पार में सड़क निर्माण का शिलापट्ट तो लगा दिया, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य अभी तक नहीं कराया गया। आरोप लगाया गया है कि नगर विधायक रितेश गुप्ता द्वारा क्षेत्र की जनता को गुमराह किया गया है। इस दौरान नगर विधायक एवं महापौर के खिलाफ महिलाओं के द्वारा नारे भी बुलंद किए गए। एडीएम सिटी को पेश किए गए ज्ञापन के माध्यम से सड़क का शीघ्र निर्माण कराए जाने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन एवं प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रीता पाल ने बताया कि मेरा नाम रीता पाल है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी। जिस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है आज, देखिए हमारे वार्ड 22 में जो सूर्यनगर लाइन पार में पड़ता, वहाँ पर रितेश गुप्ता जी द्वारा 2019-20 में शिला लेख लिख करके लगा दिया गया है कि ये सड़क उसके घर से उसके घर तक और उसके घर तक वहाँ तक बन गई है। टाइल्स कार्य पूरा हो गया, नाली बन गई है और वहाँ पर 25 साल पहले 30 साल पहले जो लाल ईंटों का खड़ंजा बना हुआ था वो सड़क वहाँ पर बनी हुई है। वहाँ पर पानी और कीचड़ हमेशा भरा रहता है, उस गंदगी के बीच लोगों का निकलना माहौल मतलब दुश्वार हो गया है। जो स्कूल जाते हैं बच्चे वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। जरा सा बारिश होती है वहाँ पे इतना गंदा कीचड़ वाला पानी भर जाता है, घरों में भी लोगों के पानी चला जाता है, जिससे कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और तरह तरह के तैर के उसमें सांप पिच्छू पता नहीं क्या क्या जानवर भी आ रहे हैं और मलेरिया डेंगू पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ फैल रही हैं। जनता इतनी परेशान हो चुकी है। इन लोगों ने बहुत बार वहाँ के पार्षद से भी कहा, वहाँ के पार्षद सरोज सैनी है, इन्होंने उनसे भी बोला कि आप हमारी सड़क बनवाइए, तो कभी कहते हैं टेंडर पास नहीं हुआ, कभी कहते हैं आपकी सड़क का अभी नंबर नहीं आया। देखेंगे ऐसे करते करते 25 साल गुजर गए लेकिन इन लोगों की सड़क नहीं बना करके। रितेश गुप्ता का नाम लिया, कौन है रितेश गुप्ता? रितेश गुप्ता जी का वहाँ पर जो शिलालेख लगा हुआ है, कौन? रितेश गुप्ता जी नगर विधायक। शिलालेख पर यही लिखा गया है कि इस घर से इस घर तक चौड़ीकरण का कार्य, सड़क टाइल्स का कार्य, नाली का कार्य पूरा हो चुका, तब भी वहाँ पर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इन लोगों के लिए सड़क बनवाई जाए वहाँ पर। आजकल तो देखिए गांव में भी कितनी अच्छी अच्छी सड़क बन गई है और ये तो नगर है। किसको ज्ञापन देंगे आज? हम देखिए एडीएम सिटी जी को ज्ञापन देंगे कि इन लोगों की सड़क बनवाई जाए और उसका संज्ञान लिया जाए। देखिए जब आपने सड़क बनवाई नहीं तो आप झूठी प्लेट कैसे लगा सकते हैं वहाँ पर? ये तो जनता के साथ बहुत दुखद घटना हो गई ना कि जो आपने किया ही नहीं। सारे में प्रशासन बीजेपी का, तो थोड़ा सा अपने लोगों पर ध्यान भी दें। ये नहीं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हाथ जोड़कर निकल जाते हैं कि आप कमल के फूल को जिताएं, बस हिंदू मुस्लिम करवाएंगे इन लोगों।